पंजीयन की गड़बड़ी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कुलपति का पुतला दहन किया और विरोध में नारेबाजी करते हुए कई मांगों को भी रखा। कुलपति होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, विद्यालय प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, कुलपति मुर्दाबाद, 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 कुल को विलंब बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पहले या पट्टू का इसके पहले एग्जाम हुआ हो उसमें गड़बड़ी, अभी पटवन का जो पंजीयन चल रहा है इसमें भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी है और इसके लिए विद्यार्थी परिषद आए दिनों महाविद्यालयों में पुतला दहन कर विद्यार्थी कुलपति का विरोध किया, लेकिन ये कुलपति अपनी मनमानी के आगे किसी को सुन नहीं रहा है। इनके पास जाने के पास यही कहते हैं कि हम छात्र हित में कर रहे हैं। ये कैसा छात्र हित है कि एडमिट कार्ड पर किसी का नाम नहीं है, एडमिट कार्ड पर कोई किसी का फोटो नहीं है, किसी का फोटो कोई लगा के किसी का साइन कोई करके जाके एग्जाम दे रहा है, और अभी जो पंजीयन में गड़बड़ी हुई इसके लिए 100-100 रुपए छात्रों से वसूला जा रहा है। इसके पहले एडमिशन के समय, नामांकन के समय, परीक्षा फॉर्म भरने के समय आपने सारी फीसें ले ली है, तो ये फिर 100 रुपए किस लिए? ये आपकी गलती है। आप यहाँ पे अपने दलालों के दबाव में आकर कभी एजेंसी से छपवाते हैं, कभी विश्वविद्यालय में छपवाते हैं, कभी और कहीं और छपवाते हैं, और एक गड़बड़ी के सामने छात्रों को कहना पड़ रहा है। और ऐसे करीब पिछली बार पट्टू का 6 महीने तक छात्रों का गड़बड़ी रह गया रिजल्ट, इसी प्रकार इस साल भी होने वाला है। इससे पहले विद्यार्थी परिषद इनका विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इनको चेता दे रहा है ऐसी परेशानी आएगी। तो अभी क्या किया? अभी हमने पुतला दहन किया है, कुलपति महोदय का पुतला दहन किया गया है, और इसके पहले कल एसवी कॉलेज, महाराजा कॉलेज और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 17 अंगीभूत जितने महाविद्यालय हैं सभी जगह विद्यार्थी परिषद विरोध कर रही है। अगर ये सुधार नहीं हुआ और ये रवैया नहीं सुधरा तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। क्या नाम है? राज पांडे विश्वविद्यालय परिषद।